Uniform are to salute and everybody is to rise. Ladies and gentlemen, the parade awaits the arrival of flag officers. का भारत का तो प्रगति का जो रास्ता दिखाया उनका ये सपना था कि हमारा भारत प्रगतिशील हो और फिर कभी स्वतंत्रता ना खोए। ये दो पॉइंट हैं, कभी प्रगतिशील और कभी हम अपनी स्वतंत्रता फिर ना खोएं। और जब इस अवसर पे जो हमारा जो नेवी का क्या रोल है इसमें, आपको मैं दो शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों प्रगतिशीलता और स्वतंत्रता का समुद्र से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आप जानते होंगे कि जब प्राचीन भारत में कई शक्तिशाली जो एम्पायर्स थे, कई शक्तिशाली नेवीज थी, जैसे चोलाज, सातवाहन, मौर्यज, गुप्ताज, विजयनगर, पांड्याज, कलिंगा, मराठाज और जामोरिन, इनके सबके पास तगड़ी नेवीज थी। और चोलाज जो इन पर्टिकुलर जो ईस्ट कोस्ट में, हमारे ईस्ट कोस्ट में थे, उनके जो नेवीज़ ने जो इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया था, और बुद्धिज़्म भी इधर से ही गया था और जापान तक चले गया था। उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गया कि इन्वेजन्स हुए नॉर्थ वेस्ट से, और जो पूरा फोकस हमारे देश का नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले गया और जो सी बॉर्डर्स थे वो बिल्कुल निगलेक्ट हो गए। इसी जो वॉयड जो हुआ था, वैक्यूम, उसको यूरोपियन पावर्स ने इस्तेमाल किया और हम अपने फ्रीडम खो बैठे। और ये फ्रीडम हम खो बैठे क्योंकि हम सी ब्लाइंड थे। और ये ऐसे नहीं कि ये ओवरनाइट हो गया कि एकदम से हम अपना इंडिपेंडेंस खो गए। ये ग्रेजुअली हुआ। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बोले हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड के बाद थोड़ा सा टेरिटरी लिया, टेरिटरी के बाद थोड़ा सा और कंट्रोल लिया, और ऐसे वी लॉस्ट आर फ्रीडम। जब आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे अराउंड हो रहा है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ऐसे ही शुरू हो रहा है। पहले ट्रेड होगा, बोलेंगे कि हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, और उसके बाद सिमिलर प्रोजेक्ट्स दूसरे कंट्रीज़ में भी हो रहा है। इसी तरह फ्रीडम और अपनी स्वतंत्रता का नेशंस लूज़। सो वी